नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 16,167 कोविड मामले सामने आए, 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। रक्षाबंधन के मौके पर आज से 2 दिवसीय राखी मेला शुरू, इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट जम्मू द्वारा जानीपुर के शोरूम से किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें बधाई दी। एसआई भर्ती घोटाले में 20 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी भी रडार पर। डोडा जम्मू में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, जमाते इस्लामी पर और कसा शिकंजा। ट्रक के टैंक में रखा बुकी का पैकेट, सांबा में पकड़ा गया चालक। चंडीगढ़ के स्कूल बच्चों ने कुपवाड़ा में तैनात वीर जवानों के लिए राखी भेजी, स्नेह भरे संदेश भी भेजे। राज्य में 706 कोरोना संक्रमित, सक्रिय मामले बढ़कर 5,304 हो गए। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी, रुकेगी वेतन वृद्धि सरकार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में बढ़ाई सुरक्षा, हर जगह जवान तैनात। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में आज मौसम खुश्क देखने को मिला, वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 19.8 और जम्मू का 26.4 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।